आज मई दिवस है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के अपने सभी कामगार और श्रमिकों को हृदय से बधाई देता हूं। लॉकडाउन के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 80 करोड़ नागरिकों को 1,70,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ आच्छादित करने का कार्य हुआ है। इसमें कामगार है, श्रमिक है, किसान है, युवा है, उद्योग में काम करने वाला जो हमारा श्रमिक है, ये सभी लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं घोषित हुई हैं जो एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए, एक कामगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने यहां पर निर्माण श्रमिकों के लिए डेली कमाने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, ई रिक्शा, रिक्शा, कुली, पलेदार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान से आच्छादित होने वाले उन 16 कैटेगरी के कामगारों के लिए धोबी है, मोची है, नाई है, सुनार है, कुम्हार है, राजमिस्त्री है, इन सभी प्रकार की जो कैटेगरी है, इन सबको हमने भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की और सफलतापूर्वक अब तक 30 लाख ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों के साथ साथ अन्य सभी श्रमिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाख इस श्रमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। सरकार उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने, भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही आज हम 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अब तक 2 चरणों में 18 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो हमारे कामगार थे, जो श्रमिक थे, मनरेगा के मजदूर थे, अन्य नागरिक थे, इन सब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। दूसरे चरण में भारत सरकार की योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। आज फिर से हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के सभी 18 करोड़ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है तो उसके माध्यम से वहां पर भी ई पॉस मशीन के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहां के कोटे की दुकान से भी ले सकता है। और अगर वो वापस उत्तर प्रदेश में आया है तो उत्तर प्रदेश में उसको राशन कार्ड से मिलेगा। अगर राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो प्रत्येक जनपद प्रशासन को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वह उन लोगों के लिए राशन कार्ड बनाए और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर करें। जिन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है उन्हें हम SDRF के अंतर्गत फूड पैकेट उनको लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भूखो नहीं सोने पाएगा, चाहे वह होम क्वारंटाइन में हो, अपने घर में हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हो। इन सभी के लिए हर प्रकार की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है। हर एक नागरिक की सुरक्षा, हर एक कामगार और श्रमिक की पूरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है मई दिवस श्रममेव जयते के संकल्प के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में आप सबके श्रम और आप सबके परिश्रम से आगे बढ़ने के लिए हमको एक ताकत देगा। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको मई दिवस की बधाई देता हूं। धन्यवाद।